हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सुजहा, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। और मैं हूँ अभी प्यारी सीमा और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा स्वागत है दोस्तों। और कल हम लोग शाम को गए थे मार्केट संबलपुरी ड्रेस लाने के लिए, और दो मैं लेके भी आई हूँ, एक मम्मी को देने के लिए और एक मेरे लिए। और अभी डिस्काउंट चल रहा है तो हम लोग 1400 रुपया में दो लाए, मतलब 3000 के अंदर आराम से आ गए। और मैं दो रुमाल भी लेके आई हूँ, 50-50 करके 100 रुपये में दो रुमाल भी ले आई हूँ संबलपुरी। और मेरा ड्रेस आपको मैं दिखा रही हूँ, बट मैं ये कल दुकान गई थी उस टाइम का दिखा रही हूँ, जो लाई हूँ उसको मैं बता दूंगी। मैं कल दो ड्रेस लाई हूँ बोल के सिलेक्ट की है, और उसको मैं अभी घर में भी रख ली हूँ। और अभी फिलहाल तो मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर पे हूँ। और मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। लाइक, कमेंट और शेयर, और सब्सक्राइब की जगह न्यू है मेरे चैनल में। और दुकान का लोकेशन आप लोगों को बता दूंगी, सबको पता होगा, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग भी जाते हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख लीजिएगा मेरे वीडियो पे, वहाँ पे दुकान का नाम, दुकान कहाँ पर है, सब कुछ लिखा हुआ है। और देखिए दोस्तों, मैं और कृपा दोनों आ गए हम लोग संबलपुरी साड़ी सेंटर, मेहर साड़ी सेंटर। और दोनों शाम को कुछ काम नहीं था हम लोग का, हम लोग बोले चलो शॉपिंग करते हैं, पूजा ऑफर भी चल रहा है और हम लोग चले शॉपिंग करने। और फिलहाल हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ आए हैं देख लीजिए, सिरपानी का CNA चर्च है, उनका फ्रंट में दुकान है। और पहले से लोग साड़ी देख रहे थे, जो जो कस्टमर गए थे, हम लोग भी घुस गए देखने लगे क्या क्या है। और हम लोग गए थे ड्रेस लाने, ज़्यादा प्राइस का नहीं, डेली यूज करने के लिए, वही 1500 के अंदर बोले थे तो हम लोग को दिखाए। और अभी ऑफर भी चल रहा था तो 1500 वाला जो ड्रेस सब था वो 1400 सब में मिल जा रहा था। और ये देखिए ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये ड्रेस को ना वो लोग खरीद लिए, कोई बात नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा था पर वो लोग खरीद लिए। मैं पूछी ऐसे सेम पैटर्न में और एक पीस होगा क्या, वो लोग बोले नहीं ऐसे तो नहीं है सेम पैटर्न में, कोई बात नहीं कुछ अलग सा दिखा दीजिए। उसके बाद में हम लोग अपना चॉइस कर लिए और अपना एक ड्रेस, एक नहीं दो, क्योंकि मेरे लिए एक और मैं मम्मी के लिए एक शॉपिंग करने गई थी, दो ड्रेस लाई। और दोनों ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा और दोनों सिमिलर भी था, थोड़ा सा अलग था, ज़्यादा नहीं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा पसंद आपको कैसा लग रहा है देखिए, आप लोग पसंद लग रहा है कि नहीं। और ये ड्रेस ना मेरा ऐसे सेम टू सेम एक है, जब ये ड्रेस दिखाया था मैंने, नहीं नहीं इसको मत दिखाइए, हम लोग का है ये कलर में। उसका ये कलर देखिए ग्रीन और ब्लैक, ये तो मेरा पसंदीदा कलर है, ग्रीन, ग्रीन मेरा लकी कलर है। और हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे पिंक ब्लैक अच्छा लग रहा है, इधर ग्रीन और ब्लैक अच्छा लग रहा है, तो मैं बोली कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो कृपा बोल रही है ये पिंक भी अच्छा लग रहा है बोली, तो मैं बोली ग्रीन तो मेरा लकी कलर है। उसके बाद में देखिए ये और एक पैटर्न में था, ये बहुत अच्छा वर्क है ड्रेस पे, बहुत अच्छा है, पूरा फिनिशिंग बहुत अच्छा है ड्रेस का। इसका भी 2000 के अंदर ही था प्राइस, और मैं बोली नहीं इसको हम लोग जैसे देखने के लिए ही मांगे थे उनको। और ये ड्रेस सब कपड़ा सब है, थान कपड़ा सब, और वहाँ पर आगे में भी है देखिए, और बहुत सारा कपड़ा था तो उनमें से चॉइस करने के लिए दिक्कत होगा बोल के हम लोग कुछ कुछ बोले, ये कलर दिखाई ये कलर बोल के उतना ही मांगे थे और उन्हीं में से चॉइस किए हम लोग। और इसको देखे एक पीस, ये कलर थोड़ा मेरे को डल लगा, मतलब कि इतना पसंद नहीं आया मेरे को, मैं बोली नहीं इसको छोड़ दीजिए, ये भी इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं पहले जो दिखाए तो पिंक और ब्लैक, और ये ब्लैक और ग्रीन, ये दोनों में से कोई एक ले लेते हैं बोले ये, तो मेरी फ्रेंड बोली, मतलब मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड नहीं मेरी सिस्टर बोली है, मैं उसको फ्रेंड बोल दे रही हूँ। तो फिर मैं बोली ग्रीन और ब्लैक लेते हैं, क्योंकि ग्रीन मेरा लकी कलर है, मुझे बहुत पसंद है ग्रीन। और पिंक ज़्यादातर ज़्यादा गोरा आदमी लोग पे अच्छा लगता है, मेरे में भी अच्छा लगेगा, मैं सांवली हूँ, ज़्यादा गोरी नहीं हूँ, काली भी नहीं हूँ, बट मैं बोली नहीं मैं ग्रीन मेरा लकी कलर है, उसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, उसी का मैं ले लेती हूँ, और उसी का मैं ले ली। फिर मैं मम्मी के लिए ये ड्रेस को मंगाई, देखिए ये भी अच्छा लग रहा ना, ये तो बहुत अच्छा लगा, येल्लो तो मुझे बहुत पसंद है, येल्लो खिलता है रे सबके में खिलता है, बहुत अच्छा कलर है येल्लो। येल्लो एक ऐसा रंग है, काली गोरी सांवली जैसे भी बॉडी कलर हो उनको सबको अच्छा ही लगेगा येल्लो, येल्लो बहुत अच्छा लगता है, वो कलर ही कुछ यूनिक है। और मैं वो येल्लो और जो ग्रीन टाइप में थोड़ा सा था उसको मम्मी के लिए ले ली, और मेरे लिए ग्रीन और ब्लैक में ले ली। तो आप लोगों को मेरा चॉइस कैसा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है नहीं बताइए, और आप लोगों को कैसा अच्छा लगा, मम्मी का ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा, ऑलमोस्ट सेम है डिज़ाइन, थोड़ा सा सिर्फ अलग है। तो दीदी जो साड़ी दिखा रहे थे हम लोग उनको बोले थोड़ा सा हम लोग को ड्रेस का मतलब खोल के दिखा दीजिए ड्रेस, तो वो बिजी थे
तो हम लोग को नहीं दिखाए, वो व्यस्त है। तो हम लोग बोले नहीं छोड़ो उनको क्यों और परेशान करके। फिर वो भैया ओनर जो थे उधर बिलिंग खत्म किए, तो बोल रही है उसके बाद में वो आए हम लोग का यहाँ। तो हम लोग उनको बोले थोड़ा सा भैया दिखा दीजिए, बोले तो वो भैया हम लोग को ठीक है दिखा दे रहा बोले। और दीदी दूसरे कस्टमर लोग को भी देख रहे थे, इसलिए हम लोग और उनको नहीं बोले कि दीदी हम लोग को थोड़ा इसको दिखा दीजिए बोल के। और यहाँ पे कॉटन साड़ी वो लोग देख रहे थे, कॉटन साड़ी तो मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोग को साड़ी लेना है, दिसंबर में शादी वगैरह है, उस टाइम नवंबर में हम लोग शॉपिंग करेंगे, फिलहाल ड्रेस पे काम चलाते हैं। और भैया आ गए, ओनर है यहाँ के, उनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और बहुत अच्छा प्राइस में मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। आप लोग जब भी दुकान जाएंगे आप लोग भी दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा अच्छा प्राइस में कपड़ा मिलता है। और देखिए वो सूता एक्स्ट्रा था, उसको खींच के निकाल दिए आराम से और रिमूव हो गया वहाँ से, देखिए। और मेरा चॉइस सब कैसा लग रहा है बोलिए, अच्छा है कि नहीं? और देखिए डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है ना, थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा। और मेरे पास ऑलरेडी 3-4 पेयर हो गया ड्रेस, सबको सिलाई देने जाना है सिलाई करने के लिए। और ये चुन्नी देखिए मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये कलर वाओ व्हाट अ कलर, मुझे बहुत अच्छा। मम्मी बहुत गोरे हैं, और आप लोग सोच रहे हैं किसको मम्मी बोल रहे हैं, मेरे को एक जन अडॉप्ट बोल सकते हैं या फिर बेटी बनाए हैं, अडॉप्ट नहीं बेटी बनाए हैं। और वो बहुत अच्छे हैं, उनके हस्बैंड नहीं है मतलब मेरे डैडी, पिछला साल उनका डेथ हो गया। तो मम्मी मतलब कि मुझे उनका घर जब भी मैं जाती हूँ तो बहुत केयरिंग, तो मैं उनके लिए एक शॉपिंग कर लेती हूँ, बोल के मैं भी उनके लिए एक ड्रेस शॉपिंग कर ली और रुमाल। मैं मेरा मन किया रुमाल भी ले लूँ, आई हूँ 100 रुपये में 2 पीस, 1 का 50 रुपये, 2 पीस मैं रुमाल भी ले आई। और बस 3000 कुछ समथिंग ना, 3000 ही आसपास हो गया था हम लोग का बिल। देखिए 2 ड्रेस भी आ गया, 2 रुमाल भी आ गया, कितना सस्ता दाम पे, कितना खुश मैं। मेरा बजट करके ही गए थे 3000 तक की शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी पूजा सब चल रहा है ना, मेला वगैरह में घूमेंगे तो कुछ कुछ सामान सब पसंद हो जाएगा, तो खरीदारी करने के लिए टेक्सनरी वगैरह में या फिर कुछ होम डेकोरेशन के लिए कुछ भी, इससे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं। बस 3000 के अंदर डेली यूज़ के लिए 2 ड्रेस और 2 रुमाल, हम लोग डेली यूज़ करने के लिए रुमाल भी लेके आ गए। बहुत अच्छा है ये दुकान, आप भी जाइए, मैं आपको सजेशन करूँगी आप लोग यहीं आस पास राउरकेला के हैं तो, और झीरपानी जगदा सेक्टर ये सब के और भी नज़दीक है ये दुकान, आप लोग भी जाइए खरीदिए। और प्राइस भी बहुत अच्छा है और ऑफर सब भी चल रहा है, बाकी टाइम प्राइस लगभग ऑलमोस्ट ठीक ही रहता है, ऑफर नहीं रहने से भी अच्छा प्राइस रहते हैं। और उनका ओनर का बातचीत बिहेवियर बहुत अच्छा है, और आप लोग बोलिए थोड़ा सा कम कीजिए तब भी वो उनका जितना होगा वो उसे का हिसाब से आपको बजट बता देते हैं। आपका बजट से भी आपको साड़ी ड्रेस कुर्ती सब कुछ मिलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। बाय।